बंद करो सरकारी कार्य में बाधा का वो करो भैया इधर आ गए मोबाइल पीछे वकील साहब आ जाओ ना बुला रहे और जेल जाने को तैयार हूँ मिलवाएंगे आपको जो मैं अपने मर्डर तक के लिए तैयार हूँ लोगों मैं तेरे को या पैदने कौन देगा सुनिए ये कौन ही अलाउ कर रहे हैं जो डेलीगेशन में कितने आदमी थे नौ ठीक है नौ देखिए भाई बात करो हम लोग हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था लेकिन ये मनीष गुप्ता अपने आप को एडवोकेट बताते हैं उन्होंने सीएमएस से मिलने के लिए टाइम मांगा था 2 बजे का टाइम दिया था पौने 2 बजे सीएमएस आके बैठ गए थे लेकिन ये व्यक्ति जो अपने आप को समाज से भी बताता है महिला वार्ड में घुस गया और वहाँ जाके स्टाफ नर्सिस के साथ बदतमीजी की उसके बाद बाहर आके चौक पर बैठ गया वहाँ बदतमीजी करने लगा पुलिस आ गई पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की कर्मचारियों ने पब्लिक ने समझाने की कोशिश की इसे अंदर सीएमएस कमरे में बुलाया गया कि आपकी जो समस्या हमें बताओ जी इनके साथ जो 8-9 महिलाएं आई थी डेलीगेशन ये व्यक्ति इतना बदतमीज है कि उन्हीं महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आया उनको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और मैं वो माइक पर बोल नहीं सकता जो शब्द इसने और आप सब लोग वहाँ मौजूद थे और जो है उनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ने लगा जिससे सभी कर्मचारियों में अधिकारियों में पुलिस में रोष उत्पन्न हुआ और उसे उठा के वहाँ से बाहर भेजा गया तो क्या मेरा ये निवेदन है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें हरिजन एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्यालय में घुसने की इजाज़त नहीं होनी किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचा था वो जिला अस्पताल में अभी तक कोई मांग पत्र दिया ही नहीं था तो मिलने के लिए आया था लेकिन उसने कुछ नहीं दिया और आते ही अपने साथ आई महिला के साथ बदतमीजी से पेश आया वह जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया उसके साथ 2-3 बार जो सबने सुना प्रेस भी यहाँ मौजूद थी प्रेस के सामने किया उसने मेरा चार्जन प्रशासन से अनुरोध है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसका सरकारी कार्यालयों में प्रवेश वर्जित किया जाए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम परसों से स्ट्राइक पे जाएंगे परसों से पूरा जिला अस्पताल जाएंगे हम बिल्कुल जाएंगे और उसके खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं हम आज तुरंत ठीक है सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है हम और जिनने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जिससे हमारे भाइयों को बहुत ठेस पहुंची है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं ठीक थैंक यू रोल ए जाइयो कोई ना अभी क्या नाम आपका मैं मनीष कुमार गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट हूं क्या मामला हुआ जिला अस्पताल में आप पहुंचे थे महिलाओं को लेकर अभी मैं एक हफ्ते पहले हमारी एक कार्यकर्ता है मोनिका सांजक की गरीब है उसका ऑपरेशन होना था मैं ऑपरेशन कराने गया था नॉर्मली वहाँ ऑपरेशन थिएटर में हर एक से 4,000-5,000 रुपये ऑपरेशन के लिए जाते हैं लेकिन CMS जानते थे तो उसका ऑपरेशन फ्री ही हुआ लेकिन जब मैं उसे लेटाने गया तो वहाँ जो हेड वार्डन थी महिला वार्ड की उसने और सब ने रुपए मांगे मैंने भाई किस बात के मुझे गुस्सा भी आया तो मेरे भड़कने पर वो चुप हो गई उसके बाद मैं उसको लिटा दिया थोड़ी देर बाद एक सफाई कर्मचारी आई उसने 100 रुपये मांगे उनका फ़ोन गया मैंने कहा मत देना मैंने आके पूछा भाई किस बात के उसके बाद मैंने वार्ड में महसूस किया कि मेरे भड़कने पे सब वार्ड वाले खुश थे तो मैंने महिलाओं से बात की वहाँ वार्ड में तो एक महिला ने मुझे बताया कि मैंने एक हफ्ता हो गया 5,000 रुपये दे रखे हैं मुस्लिम महिला थी वो और मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे वो जो राशिद वहाँ खड़ा हुआ है मोटे से हैं वो हालांकि उसने माजिद नाम बताया था मैंने कन्फर्म किया राशिद था तो वो हमको नहीं भेजता पैसे मांगता है जबकि हमने पैसे ऑलरेडी दे दिए आप महिला वार्ड में गए थे जबकि महिला वार्ड में पुरुषों का जाना मना है किस लिए गए यू आर वेरी राइट मैं उस जब मैं मोनिका को लिटाने गया था और मैं आ गया था वहाँ से आज जो हम गए थे महिला वार्ड में जो ये तमाम हंगामा हुआ मोनिका का फ़ोन गया कि आज हमको छुट्टी मिल रही है 2 बजे डेलीगेशन लिखित में हमारे पास है मैं आपको दिखा रहा हूँ जी एक मिनट तो फिर आप CMS ऑफिस के अंदर भी गए उसके ये 2 बजे का टाइम हमें था डेलीगेशन से मिलने का
ये महिलाएं मैंने डिफरेंट गांव से बुलाई। जब उसका फ़ोन गया तो मैंने इनसे कहा कि जाओ उससे मिलाओ, तुम्हारी साथी है। उन्होंने कहा हमें पता नहीं कहाँ लेती है, तो मैं इनके साथ गया। आपके द्वारा सीएमएस ऑफिस में महिलाओं को जाति सूचक शब्द कहे गए, जो महिलाएं आपके साथ थी? जो महिला मेरे साथ थी वो कार्यकर्ता में, वो अपने नाम के आगे कुसुम चमार लिखती है। तो जब कुसुम चमार लिखती है और वो कुर्सी पे नहीं बैठ पा रही थी अपनी इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स के कारण, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि दफ्तर तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे टैक्स के पेड़ से है, और तुम कुसुम चमार लिखती हो, चमारी की चमारी रह रही हो, कुर्सी पे बैठो, लीडर बनो। इस बात का मुझे अफसोस है कि इसको गलत संदर्भों में लिया। मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं जाति और जाति सूचक शब्दों में या धर्म में हिंदू मुसलमान इनमें विश्वास नहीं करता। उसके बाद आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्जन व्हाट आई सेड देयर। आपके बाद उसके बाद वे सब बिगड़ गए, क्योंकि अस्पताल में जितना थर्ड और फोर्थ कर्मचारी है नीचे स्तर से ऊपर तक वो भ्रष्ट है। अगर कोई तीमारदार अपने मरीज के हित को लेकर बोलता है, पैसे के खिलाफ बोलता है किसी और बात, इनका ये दफ्तर तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे टैक्स के पेड़ से है, और तुम कुसुम चमार लिखते हो, चमारी की चमारी रह रही हो, कुर्सी पे बैठो, लीडर बनो। इस बात का मुझे अफसोस है कि इसको गलत संदर्भों में लिया। मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं जाति और जाति सूचक शब्दों में या धर्म में हिंदू मुसलमान इनमें विश्वास नहीं करता। उसके बाद आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्जन व्हाट आई सेड देयर। उसके बाद वे सब बिगड़ गए, क्योंकि अस्पताल में जितना थर्ड और फोर्थ कर्मचारी है नीचे स्तर से ऊपर तक वो भ्रष्ट है। अगर कोई तीमारदार अपने मरीज के हित को लेकर बोलता है, पैसे के खिलाफ बोलता है किसी और बात, वे मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं, तो कोई बोलता नहीं, तो वे सारे के सारे संगठित होने लगे। मुझे चोर बताया, दलाल बताया, मैं सुनो गया, पुलिस भी आ गई थी, भीड़ भी हो गई थी, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। हम गांधीयन फिलॉसफी और तरीकों पर विश्वास करते हैं, हमने कोई हिंसा नहीं करी। और जब वार्ड से निकल रही थी तो वार्डन और औरों ने एक चांटा जो है हमारी कार्यकर्ता मुख्याली की धर्मगिरी के मारा, वो उनके चिपट गई। मैं लौटा के गया और उसको पकड़ के ले आया सीएमएस ऑफिस में। 2 बजे हमको मिलना था, हम सीएमएस ऑफिस में गए, और जब मैंने अपनी कार्यकर्ता कुसुम अजमतगढ़ की है, कुसुम चमाड़ लिखती है अपने आप को पूरा नाम उसका, तब मैंने उस नाते उसे संबोधित किया था। इवन देन उसे अगर ट्विस्ट किया जा रहा है, उसका गलत अर्थ लिखा जा रहा है, मैं जो गरीब तबका है किसी भी जाति का है, मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और चमार कहने की कोई मेरी मंशा उस टाइप की नहीं थी। तब सीएमएस ऑफिस में हंगामा हुआ और मुझे हाथ पकड़ के खींचा गया, मैं बैठ गया, फिर पुलिस ने मेरी डंडा डोली करके मुझे उठाया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो हमारी वर्कर है जो उसमें रह गई थी उनकी ये पिटाई ना कर दें जैसे आज तक इनका इतिहास रहा है। मैं इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हूँ। जहाँ तक उन्होंने चाटा मारा कुछ भी किया, मैं उनके विरोध में नहीं, मैं उनको माफ़ करता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी जिला अस्पताल में हंगामा हुआ, क्या पूरा मामला, किस बात को लेकर हंगामा हो रहा था? एक अपने को सोशल एक्टिविस्ट से बताते हैं, मिस्टर मनीष पट्टा, उन्होंने मुझसे 2 बजे टाइम लेने का दिया था, तो मैंने कहा था ठीक है 2 बजे आ जाइए ऑफिस में, मैं हूँगा। और पता लगा कि वो वार्ड में गए, और वार्ड में पहले भी सुनते हैं आते रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पर कुछ अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, कुछ स्टाफ नर्स से कुछ उन्होंने वहाँ भाषण बाजी करनी सुनी, तो हमारे कर्मचारियों ने कहा कि भी तुम जो बात करना वो ऑफिस में जाके बात करें, तो वो ऑफिस में आए, पुलिस यहाँ मौजूद थी, उन्होंने भीड़ लगा रखी थी, कुछ लोग थे, तो उनसे बात कर रहे थे, फिर उन्होंने कुछ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, जिससे यहाँ मौजूद लोग नाराज हो गए, तो पुलिस उनको ले गए। किस किन मांगों को लेकर आपके पास पहुँचे आए थे? हमारे से मांगों को लेकर हमसे बात उनकी नहीं हो पाई थी, बात भी नहीं हुई आप लोग हमारे बात, वो वहीं पहले ऑफिस में, वहाँ ऑफिस में आने से पहले 2 बजे का टाइम दिया था, वो 1 बजे के करीब वार्ड में गए, और उन्होंने वहाँ पे जो है व्यवस्था कुछ सरकारी कार्य में बाधा पहुँचा रहे थे जो कर्मचारी को वहाँ देना। तब क्या मांग करते हैं प्रशासन तक, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? जो उचित कार्रवाई वो करें, हम लोगों को क्या, हम लोग प्रस्ताव चला रहे हैं, हमें कोई ऐसा कोई जो ठीक।